ओके तो लेट्स स्टार्ट योर टेक्निकल स्नैप फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और आप जा रही हैं भागाटोमिक रिसर्च सेंटर स्टेपेंडरी ट्रेनिंग, राइट? यस सर। ओके तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मेरे को ये बताइए कि ब्रिटल और डक्टाइल मटेरियल में क्या डिफरेंस होता है? ब्रिटल और डक्टाइल मटेरियल सर, ब्रिटल मटेरियल जो डक्टाइल मटेरियल सर वीक होती है शीयर में, और सर ब्रिटल मटेरियल वीक होती है टेंसाइल में। यस सर। और डक्टाइल सर प्लास्टिकली डिफॉर्म ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ब्रिटल मटेरियल। और ब्रिटल मटेरियल सर, डक्टाइल मटेरियल को हम लोग थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि ब्रिटल मटेरियल को हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। फेलर क्या होता है दोनों में? मोड ऑफ फेलर, फेलर का मोड क्या होता है दोनों में? फेलियर का मोड सर डक्टाइल में शीयर में वीक होता है, और ब्रिटल सर टेंसाइल में वीक होता है। चौक देखिए आपने, जिससे लिखते हैं बोर्ड के ऊपर चौक, यस सर। उसके ऊपर एक टॉर्क लगाओ, ऐसे हाथ यस सर। से टॉर्क लगाओ, कैसे यस फिर सर। किस प्लेन पे फेल होगा वो? इस अगर ब्रिटल मटेरियल है तो वो शेयर में फेल होगा, और ये 45 डिग्री पे, ऐसा क्यों? हाँ तो क्योंकि ये इस चॉक एक ब्रिटल मटेरियल है, और सर ब्रिटल मटेरियल टेंसाइल पे वीक होता है, और यहाँ पे अगर हम लोग 90 डिग्री पे यानी प्योर शियर का केस है, टॉर्शन लगा रहे हैं तो, और बोलिए। सर और 45 डिग्री पे इसका सर टेंशन मैक्सिमम वाला प्लेन आएगा तो सर उसी पे फेल करेगा, मैक्सिमम टेंशन वाले प्लेन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन। तो प्रिंसिपल प्लेन कितने डिग्री पे आ रहा है तो 45 डिग्री पे, 45 डिग्री। इसका? यस सर। इसका मोहर सर्कल बना सकते हैं क्या? ठीक यस सर। प्योर शेयर का केस है, प्योर शेयर। यस सर। ओके अच्छा, आपने थ्योरीज ऑफ फेलियर सुन रखा है तुलिका? यस सर। कितने थ्योरीज ऑफ फेलियर हैं? सर 5 थ्योरीज ऑफ फेलियर है डक्टाइल मटेरियल के लिए कौन सी यूज करते हो? सर। डक्टाइल मटेरियल के लिए सर एक्चुअली तो मेन हम लोग यूज करते हैं वॉन वाइसेस थ्योरी, जो कि इकोनॉमिकल भी है और ये भी है, और ऐसे हेग्स एंड बेल्ट्रामी थ्योरी जो होता है वो उसमें अनइकोनॉमिकल हो जाता है। ये नेक्स्ट दोनों ही सर कैलकुलेट डक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं इसमें? थ्योरीज ऑफ फेलियर जो सर। आप बता रही हैं डक्टाइल के लिए, उसमें क्या कैलकुलेट करते हैं आप? थ्योरीज ऑफ फेलियर में मैक्सिमम क्या कैलकुलेट करते हैं अच्छा, फैक्टर ऑफ मैक्सिमम सेफ्टी सर के बारे में इस। जानते हैं कुछ? यस सर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी परमिसेबल जितना मैक्सिमम आता है उससे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं, ताकि जो परमिसेबल जितना हम लोग जितना पे वर्किंग हो सकता है वो मटेरियल वो देखते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दो दो चीजों की रेशियो है, बता सकते हैं कौन सी? फैक्टर ऑफ सेफ्टी अल्टीमेट स्ट्रेस एंड परमिसेबल स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस ओवर परमिसिबल स्ट्रेस। यस सर। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में अल्टीमेट स्ट्रेस कहां पे आती है? स्ट्रेस स्ट्रेस डायग्राम में 20% स्ट्रेन पे। कौन सी मटेरियल की बात कर रही हैं आप? माइल्ड स्टील की।
25% पे अल्टीमेट स्ट्रेस होती है या फेलोर फ्रैक्चर पॉइंट होता है? नहीं, 20% पे अल्टीमेट स्ट्रेस, 25% पे फ्रैक्चर स्ट्रेस, और यील्ड स्ट्रेस कितने परसेंट पे आती है? 0.2%। मेरे को ये बताइए, डिजाइन स्ट्रेस कौन सी है, यील्ड या अल्टीमेट? डिजाइन स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस है। तो आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी में अल्टीमेट स्ट्रेस क्यों यूज किया, यील्ड क्यों नहीं यूज किया? यस सर, यील्ड होगा सर। सर क्यों, गलती कैसे हो गया, क्या गलती किया तुमने? तो वहां पे मैंने सर अल्टीमेट यूज कर दिया था, जबकि डिजाइन स्ट्रेस यील्ड होता है। अल्टीमेट भी यूज करते हैं कहीं? अल्टीमेट सर ध्यान में नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं अगर आपको किसी मटेरियल का अल्टीमेट स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेस स्ट्रेंथ दे दूं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ दे दूं, तो इससे क्या यस सर, पता लगा सकती हैं आप? अल्टीमेट स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, स्ट्रेस नहीं होता वो, अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है। आपको अल्टीमेट आइडिया है स्ट्रेंथ। यस स्ट्रेंथ सर, और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है? हाँ यस सर, यस सर। जी, क्या होता है? स्ट्रेंथ जो होता है कि मैक्सिमम स्ट्रेस जो फेलियर के पहले बियर कर सकता है कोई भी मटेरियल, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। और स्ट्रेस क्या होता है? और स्ट्रेस जो रेसिस्टेंस रेसिस्ट रिस्टोरिंग रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेस वेरी कर सकता है, लेकिन स्ट्रेंथ कोई एक मटेरियल का यूनिक वैल्यू होता है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ का फायदा क्या है हमें, क्यों निकालते हैं हम इसको? डिजाइन स्ट्रेंथ यील्ड स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट से क्या मिलेगा हमें? अल्टीमेट से सर मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम मतलब फ्रैक्चर के पहले तक मैक्सिमम कितना वो स्ट्रेंथ उस पे आ सकती है, स्ट्रेस। अच्छा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है नॉर्मली? नॉर्मली सर 3 लेते हैं। एरोप्लेन में कितना होता है और बाईसाइकिल में कितना होता है? सर हवाई जहाज और साइकिल में फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस में ज्यादा होना चाहिए, एरोप्लेन में या बाईसाइकिल में? सर बाइसिकल में ज्यादा होना चाहिए ऐसा क्यों? सर। बाइसिकल में फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा इसलिए होना चाहिए क्योंकि सर हम लोग बाइसिकल क्यों चाहते हैं कि वो मैक्सिमम मतलब उसका ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो, ओके, गुड। तो ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो इसके कारण हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी जितना ज्यादा लेंगे तो सर उससे मटेरियल उसमें हेवी होने का डर नहीं होता, बस लोगों को चाहिए होता है कि वो जितना ज्यादा दिन तक चले, इसलिए सर और उसको हवाई जहाज में क्यों साइकिल से कम यूज करेंगे? सर वहां पे सर हवाई जहाज में वेट वेट मेन कंसिडरेशन होता है, इसमें जितना हम लोग वेट कम ले सकते हैं, मतलब हवाई जहाज में वेट का मेन होता है ड्यूरेबिलिटी से ज्यादा, कि वेट हवाई जितना कम होगा सर। जहाज में वेट क्यों लेते हैं हम, उसमें क्राइटेरिया? हवाई जहाज में सर वेट क्यों लेते हैं, सर मेरे को ये बताइए, तुलिका, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल कौन सा है, कास्ट आयरन या स्टील, माइल्ड स्टील? ज्यादा स्ट्रॉन्ग कास्ट स्ट्रेंथ कास्ट आयरन। ज्यादा कास्ट कास्ट आयरन कैसे निकालते हैं स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ सर स्ट्रेस स्ट्रेस डायग्राम में हाइट से निकालते हैं। बनाइए जरा, कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील दोनों के डायग्राम बनाओ, एक ही डायग्राम पे दोनों का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाओ।
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कास्ट आयरन का ज्यादा होता है या माइल्ड स्टील का? माइल्ड स्टील का सर तब तो स्लोप ज्यादा बनाइए, कास्ट आयरन का बना रखा है आपने स्लोप। जैसे गलती हो गया। अच्छा बताइए, रेजिलिएंट ज्यादा स्टील है या कास्ट आयरन? पर स्लोप तो माइल्ड स्टील आर यू श्योर माइल्ड स्टील ज्यादा रेजिलिएंट है कास्ट आयरन से? अच्छा आपने सुना है कि बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, इसको कास्ट आयरन के ऊपर रखा जाता है, बेड कास्ट आयरन का बना होता है। यस सर। हाँ सर शॉक अब्जॉर्बर रेजिलिएंट यस सर क्या रेजिलिएंट? सर क्योंकि वो शॉक अब्जॉर्ब ज्यादा कर सकता है। शॉक अब्जॉर्ब के प्रॉपर्टी रेजिलिएंट यस सर रेजिलिएंट शॉक कास्ट आयरन की ज्यादा होती अच्छा ये बताइए, स्प्रिंग रेजिलिएंट होना चाहिए कि टफ होना चाहिए? है। रेजिलिएंट होना चाहिए तो कास्ट आयरन का स्प्रिंग सुना है कभी? नहीं सर तो अगर नहीं सर कास्ट आयरन रेजिलिएंट है, शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है और स्प्रिंग रेजिलिएंट होना चाहिए, तो कास्ट आयरन का स्प्रिंग क्यों नहीं है? किस चीज का बंद होता है स्प्रिंग, कौन से मटेरियल? स्प्रिंग तो सर स्टील की बनी होती है जनरली। कौन सा स्प्रिंग? स्टील। स्टील तो जनरल टर्म है ना। हाँ माइल्ड स्टील की माइल्ड स्टील की होती है स्प्रिंग। नहीं नहीं स्प्रिंग लो आपने कार्बन स्प्रिंग स्टील की स्टील सर सुना है? स्प्रिंग स्टील सर नाम सुना है? स्प्रिंग स्टील। स्प्रिंग स्टील सॉरी सर सर मैंने नहीं ये नाम है स्प्रिंग स्टील। चलिए मैं आपको फीडबैक देता हूँ। तुली का कैसा लगा आपको अपना स्नैप? सर थोड़ी जगह पे सर ये सर देखो आपने मैराथन तो याद किया है, वो मेरे को पता है, लेकिन स्नैप नहीं सुने आपने। मैराथन सुने, स्नैप नहीं सुने। मैराथन के सारे आंसर आपने निकाल दिए। जो बेस्ट आंसर आपका शुरू का था कि ब्रिटल और डक्टाइल में डिफरेंस, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। और फिर आपने बताया कि जो चौक है 45 डिग्री पे टूटेगा, बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि चौक पे अगर हम टॉर्क लगाएंगे तो इसका स्ट्रेस डायग्राम आपने बताया, प्रिंसिपल जो स्ट्रेस 20 है, फिर जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है 45 डिग्री पे, तो चौक यस ब्रिटल सर मटेरियल है इसलिए चौक टूटेगा प्रिंसिपल प्लेन पे, और प्रिंसिपल प्लेन है 45 डिग्री पे। फैक्टर यस सर ऑफ सेफ्टी में गड़बड़ कर गई है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दो चीज की रेशियो है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी रेशियो है आपकी यील्ड स्ट्रेंथ की और मिक्स जो परमिसिबल स्ट्रेस है, यील्ड यस सर स्ट्रेंथ और परमिसिबल स्ट्रेस। तो बेसिकली फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज किया जाता है परमिसिबल स्ट्रेस निकालने के लिए, कि कितनी स्ट्रेस इंड्यूस की जा सकती है। दैट यस इज इक्वल टू यील्ड स्ट्रेंथ जो डिजाइन स्ट्रेंथ है, डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हवाई जहाज का फैक्टर ऑफ सेफ्टी साइकिल से कम होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि हवाई जहाज को अगर एक्सीडेंट हो गया तब भी तुम उसको डैमेज होने से रोक नहीं सकते, इसलिए उसको लाइट वेट के लिए डिजाइन किया जाता है, फेलियर के लिए नहीं। साइकिल में क्या है, वेट तो जमीन के ऊपर ही है, सारा वेट तो लैंड पे जा रहा है, हवा में थोड़े है। लेकिन हवाई जहाज के वेट को झेलने के लिए आपका बर्नौली इक्वेशन लगती है ना, वो प्रेशर लगता है, लिफ्ट फोर्स। हाँ, तो हवाई जहाज जितना भारी होगा उतना ही हमारे लिए डिजाइन उसका पुअर है, इसलिए हवाई जहाज को डिजाइन किया जाता है लाइट वेट के लिए, इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी जैसे जैसे बढ़ाएंगे वेट बढ़ जाता है। तो हवाई जहाज का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी साइकिल से कम होता है, बिल्कुल आपने सही आंसर दिया था। इसमें थोड़ा वहां पे हो गया, बाइसाइकिल ड्यूरेबल होती है, मतलब ज्यादा टाइम के लिए चलनी चाहिए वो, उसके लिए गिर भी जाए तो उसमें डैमेज नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको डिजाइन किया डैमेज जाता है। होने चाहिए स्प्रिंग जो है कास्ट आयरन रेजिलियंट होता है, कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील का डायग्राम गड़बड़ हो गया। रेजिलियंट होता है मतलब उसका इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होती है उसकी, इसलिए वो शॉक एब्जॉर्ब, बेसिकली एब्जॉर्ब तो नहीं कह सकते लेकिन शॉक वो ले लेता है, वापस कर देता है, इलास्टिक एनर्जी उसकी ज्यादा होती है। अब स्प्रिंग क्यों नहीं बनी होते कास्ट आयरन के लिए, उसका रीजन कि जब स्प्रिंग आप यूज करते हो तो आपने देखा है स्प्रिंग में कौन कौन सी स्ट्रेसेस इंड्यूस होती हैं। स्प्रिंग के अंदर बेंडिंग स्ट्रेसेस भी इंड्यूस होती हैं जो टेंसाइल भी होती हैं। कास्ट आयरन एक ब्रिटल मटेरियल है जो टेंसाइल स्ट्रेस में बहुत अच्छा नहीं होता, कंप्रेसिव के लिए ठीक है, टेंसाइल के लिए बहुत अच्छा नहीं होता,
तो बेसिकली क्या करना होता है, कास्ट आयरन बेसिकली स्प्रिंग में इसलिए यूज नहीं किया जाता क्योंकि उसमें अलग अलग स्ट्रेसेस इंड्यूस होते हैं स्प्रिंग के अंदर, उसके लिए स्प्रिंग स्टील यूज किया जाता है, राइट। ये चीजें हैं सारी जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे, एंड आई एम वेरी श्योर आप इनका आंसर कुछ का भी किया कुछ का नहीं किया, राइट। यस सुनिका, सर, कास्ट आयरन का स्लोप ज्यादा होगा। हाँ देखो इसको जाके देखो, इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखो, जहां से पता लग जाएगा आपको, देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों का, राइट। यस सर, हाँ जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे बाकी बच्चों से पूछना, उनको रिवाइज करो। और सर मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन थोड़ा गड़बड़ हो गया था ना, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। हाँ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम तो गड़बड़ था ही तुम्हारा, 25% बता रही हो, 25% पे तो वो आपका फैक्टर कौन रहता है माइनस स्टील में, ये नो सर, बताओ। फैक्टर वो 25 ही बताया था, फैक्टर अल्टीमेट का ही 20 बताया बताई थी। हाँ 20% होता है, पर वो ऐसा है ना उसका क्या यूज है वो तुम्हें पता होना चाहिए, राइट। मेटल फॉर्मिंग में सर, यूज होता है, मेटल फॉर्मिंग स्ट्रेन हार्डनिंग पता है ना तुम्हें, यील्ड यस सर, पॉइंट यस से सर, लेके अल्टीमेट स्ट्रेन हार्डनिंग होता है मेटल फॉर्मिंग में होता है वो, तो मेटल फॉर्मिंग यस से जो सर, स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं इसके लिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ को हम यूज करते हैं टर्म को। चलो तो याद करो, रिवाइज करो, मजे उसमें अच्छे तरीके से एंजॉय करो सारे स्नैप्स, राइट। स्नैप सुनो, हंड्रेड्स ऑफ स्नैप पड़े हैं योर पीडीए के ऊपर, उनको सुनो सारे। यस सर। ओके और सर, बार्क बार्क में हाइट का भी कोई इश्यू है क्या? नहीं।